केंद्रीय वित्त राज्य और कॉरपोरेट राज्य मंत्री बनने के बाद अनुराग ठाकुर का अपने संसदीय क्षेत्र के ऊना पहुंचने पर बेहद शानदार स्वागत किया गया। स्वागत के लिए पंजाब हिमाचल सीमा से लेकर ऊना शहर तक करीब 15 किलोमीटर का भव्य रोड शो भी निकाला गया, जिसमें दर्जनों जगहों पर उनका लोगों ने अभिनंदन किया। मोदी सरकार पार्ट टू में केंद्रीय वित्त राज्य और कॉरपोरेट राज्य मंत्री बनने के बाद अनुराग ठाकुर का अपने संसदीय क्षेत्र के ऊना पहुंचने पर बेहद शानदार स्वागत किया गया। स्वागत के लिए पंजाब हिमाचल सीमा से लेकर ऊना शहर तक करीब 15 किलोमीटर का भव्य रोड शो भी निकाला गया, जिसमें दर्जनों जगह उनका लोगों ने अभिनंदन किया। इस दौरान एक कार्यक्रम में हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन ने भी अपने अध्यक्ष और राज्य मंत्री का विशेष अभिनंदन किया, जबकि हिमाचल व्यापार मंडल ने भी उन्हें सम्मानित किया। रोड शो के बाद ऊना में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अनुराग ठाकुर ने अपनी प्राथमिकताओं के सवाल पर हिमाचल की जयराम सरकार की प्राथमिकता को ही अपनी प्राथमिकता बताया। देश की सेवा करने का मैं आभार प्रकट करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का, जिन्होंने दिन रात एक करके अपना घर परिवार छोड़ के पार्टी की और मेरी जीत सुनिश्चित की और मुझे इस मुकाम तक पहुँचने का अवसर दिया है। मैं पहले भी दिल्ली में उनका प्रतिनिधि था, अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनके प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर रहूँगा। सभी हिमाचल वासियों के लिए, विशेष तौर पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए मैं लगातार 24 घंटे उपलब्ध हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि पहले की भांति और विकास हिमाचल प्रदेश का हो, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हो। केंद्र में माननीय मोदी जी, प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी देश और प्रदेश की सरकारें चल रही हैं और हिमाचल प्रदेश की जो जो मांग होगी हम उसको पूरी ताकत के साथ मोदी सरकार में मंजूर करवाएंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी आपको? जो हिमाचल सरकार की प्राथमिकता है वो हमारी प्राथमिकता है। जो जयराम ठाकुर जी प्रदेश के विकास में चाहेंगे उसके लिए हम हर संभव प्रयास दिल्ली से करेंगे कि मोदी सरकार से वो सब सहयोग हिमाचल प्रदेश के लिए मिले। अनुराग ठाकुर ने अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के सवाल पर कहा कि जो हमारे अध्यक्ष कहते हैं वो करते हैं, पहले भी किया है और अब भी करेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य और कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहे जाने पर तंज कसते हुए कहा कि किसी की जुबान मतदान और मत परिणाम फीका नहीं कर सकती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व स्तरीय नेता होने की बात कहते हुए भी राहुल गांधी को घेरा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बीजेपी की 303 और एनडीए की 353 सीटों का हवाला देते हुए 200 या 250 सीट दिखाने वाले प्रीपोल पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम ये दर्शाते हैं कि जनता काम करने वाले को ही चुनती है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने हिमाचल कांग्रेस के पास 5 साल का समय चिंतन मनन के लिए होने का दावा किया और हार का ठीकरा किसी के भी सर फोड़े ये उनका अंदरूनी मामला है। उन्होंने बीजेपी को देश की सेवा के लिए पूर्ण बहुमत दिए जाने का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस की नई कार्यकारिणी गठन के लिए भी उनको शुभकामनाएं दी। सर, आपने जब पहले जिक्र किया था, आपने दावा किया था कि मोदी सरकार दोबारा आएगी तो धारा 370 भी हटेगी, 35 भी हटेगी। अब गृहमंत्री जो है अमित शाह के हाथों में ये कमान है, तो अब क्या उम्मीद है? हमने जो कहा वो पहले भी किया और जो इस बार स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था हम उसको भी पूरा करके देंगे। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवाज़ जनता की है, वोट की है। ना बुलेट बैलेट को कम कर सकती है और ना ही किसी की जुबान लोगों के दिए हुए मतदान को फीका कर सकती है। ये 130 करोड़ हिंदुस्तानी ने पूरी दुनिया को कहा कि नरेंद्र मोदी जी भारत के नेता हैं और नरेंद्र मोदी जी भारत को आगे ले जाएंगे। ये सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र की है कि कोई समझ नहीं पाया, कोई 200 सीट दिखाता था, कोई 230 दिखाता था, 303 सीटें। जब मैंने अब की बार 400 पार का स्टिकर लगाया तो बहुत सारे लोग कहते थे 200 कहाँ आएगी। एनडीए की सीटें देखिए, 353 सीटें, कोई छोटी बात नहीं है। ये जनता है जो काम करने वाले को वोट देती है और मोदी जी
24 घंटे 365 दिन काम करने में विश्वास रखते हैं। देखिए, उनके पास 5 वर्ष का समय है। कांग्रेस किसी पे कुछ ठीकरा फोड़ना चाहे, उनका अपना घर का मामला है। हमें जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है देश की सेवा करने का। हमारा एक एक पल, एक एक दिन, एक एक वर्ष, एक एक कार्यक्रम, एक एक नीतियाँ ये जनता के विकास के लिए, उत्थान के लिए होगी और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए होगी। 100 दिन का प्रोग्राम जो मोदी सरकार तय कर रही है, हर डिपार्टमेंट को अपने अपने 100 दिन का एजेंडा तय करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है सभी मंत्रालयों इसमें तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि किसी मंत्री ने कोई एक दिन इधर उधर नहीं किया, सब ने पहले दिन से अपना काम संभाला और हम तेजी से काम करने में लगे। जो नए प्रदेश अध्यक्ष है कुलदीप राठौर, वो ये कह रहे हैं कि हार जो इसमें कांग्रेस की हुई है लोकसभा चुनावों में, उसके बाद अब जो है कांग्रेस जो है नए सिरे से कार्यकारिणी गठित कर रही है, क्या कहना चाहिए? मेरी शुभकामनाएं।